यस सरकार माहौल सर लास्ट चैप्टर ऑफ द जीएसटी चैप्टर नंबर 24 मिसलेनियस प्रोविजन सरकार आइए जो भी मुझे लगता है रिलेवेंट सेक्शंस होने चाहिए आपके एग्जाम्स के लिए मैं उन सबको रिवाइज कर लेता हूँ। सबसे पहले बात कर रहा हूँ सेक्शन नंबर 6 की जिसने बोला क्या ऑथराइज्ड ऑफ द ऑफिसर ऑफ द स्टेट टैक्स और यूटी टैक्स एज प्रॉपर ऑफिसर इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस। सुनना बच्चों ध्यान से इनकेस अगर बेटा अगर जो मैं आपसे ऑलरेडी कई बार बात कर चुका हूँ अगर मेरी फाइल सी जी एस टी डिपार्टमेंट में है तो वही ऑफिसर ऑथराइज होगा एस जी एस टी के लिए भी। सेम वे अगर मेरी फाइल एस जी एस टी डिपार्टमेंट में है तो वो एस जी एस टी का ऑफिसर या यूटी जी एस टी का ऑफिसर ही मेरे लिए सी जी एस टी का भी ऑफिसर कहलाएगा और सारे पावर इस एक्ट के उस ऑफिसर के पास भी होंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ सी जी एस टी ऑल्सो। ये ऑथराइजेशन कहाँ से मिला इस सेक्शन नंबर 6 से मिला। आइए सरकार नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 144 प्रिजर्वेशन एज टू डॉक्यूमेंट इन सर्टन केसेस। बेटा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस किया डिपार्टमेंट को या इंस्पेक्शन टाइम डिपार्टमेंट ने पता किया ये डॉक्यूमेंट है या कहीं से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिली डॉक्यूमेंट मिला आपके अगेंस्ट या कभी सर्च किया रेड मारा कोई डॉक्यूमेंट उनको मिला तो ये माना जाएगा उस डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वो सच लिखा है। अगर हैंड राइटिंग में लिखा तो माना जाएगा कि आपकी हैंड राइटिंग है एंड दैट विल एक्ट एज इन एविडेंस अगेंस्ट यू। आपने कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कराया हुआ है स्टैम्प पेपर एग्जीक्यूट कराया हुआ है माना जाएगा आपने स्टैम्प पेपर एग्जीक्यूट कराया कोई सिग्नेचर है तो ये माना जाएगा कि आपके सिग्नेचर है अनलेस यू प्रूव इट अदरवाइज। देन सेक्शन 145 कहता है एडमिसिबिलिटी ऑफ माइक्रोफिल्म्स या फैसिमिल कॉपी मतलब फैक्सी कॉपीज या प्रिंट आउट अच्छा या कंप्यूटर प्रिंट आउट एज डॉक्यूमेंट एंड एज एविडेंस। सर अगर जैसे ये तो ऊपर जो सेक्शन था उसमें था हैंड रिटन लिखा है तो यहाँ पे लिखा है अगर मान लो कोई माइक्रोफिल्म मिल गया बेटा हमें या हमें कोई फोटोग्राफ मिल गए या फिर हमें कोई फैक्स कॉपी मिल गई बेटा या कोई प्रिंट आउट मिल गया कंप्यूटर से तो ऐसे केस में जो उसमें लिखा है ये माना जाएगा कि सच लिखा है एंड दैट विल एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू अनलेस यू प्रूव इट अदरवाइज। आपको पावर दिया कि आप प्रूव कर दो गलत है बाकी हम तो मानेंगे जो उसमें लिखा है वो सच लिखा है बेटा। आइए सेक्शन 146 बोलता है कॉमन पोर्टल। सर यहाँ से पावर मिला सीबीएसई को कि अपनी वेबसाइट नोटिफाई करने का कि ये हमारी वेबसाइट है जहाँ से आप रिटर्न फाइल करेंगे सारे कंप्लाइंस पूरे करेंगे। देन सर आइए सेक्शन 148 बोलता है गवर्नमेंट को पावर है कि वो चाहे तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल कुछ स्पेशल कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए सर स्पेशल प्रोसीजर भी नोटिफाई कर सकती है कोई खास बात नहीं है। सर 149 जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग सुनना बच्चों ध्यान से जीएसटी कंप्लायंस रेटिंग गवर्नमेंट को पावर दिया अब तक ऐसा नोटिफाई अब तक ऐसा इन्होंने एक्सरसाइज नहीं किया है पर हाँ गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो चाहे तो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को उसने जो कंप्लायंस की है उसके बेस पर रेटिंग देंगे और कुछ पैरामीटर फिक्स करके रेटिंग्स रखेंगे और रेटिंग को क्या कर देंगे कंप्लायंस रेटिंग बोल के गवर्नमेंट वेबसाइट पे पब्लिश कर देंगे और आप किसी भी सप्लायर से परचेज कर रहे हो या डील कर रहे हो तो उसकी रेटिंग देख के पता कर सकते हो कि ये सर एसएससी कंप्लायंट है या मामला गड़बड़ है इसका बेटा क्लियर। तो अभी तक इसको गवर्नमेंट रेटिंग को अभी तक पब्लिश नहीं किया है पर हाँ दे कैन डू दिस। सर सेक्शन 153 बोलता है टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम दी एक्सपर्ट। सर असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबोरिंग वाले ऑफिसर को पावर दिया कि अगर डिपार्टमेंट की प्रोसीडिंग के लिए आपको आउटसाइड पार्टी की किसी हेल्प चाहिए एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए यू कैन टेक इट। जैसे सर प्राइवेट लेबोरेटरी की टेस्टिंग चाहिए टेस्टिंग की सर हमको क्या चाहिए हेल्प चाहिए तो आप लेबोरेटरी से हेल्प ले सकते हो। सर सी ए से ले सकते हो कॉस्ट अकाउंटेंट से ले सकते हो कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट है हैकिंग करने के लिए आप उसकी हेल्प ले सकते हो सर। देन 154 पावर टू टेक सैंपल। सर कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर आपकी प्रीमाइसेस पे आके सैंपल ड्रॉ कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन चेकिंग। 155 पावर टू प्रूफ। सर अगर आपने आईटीसी लिया है तो सर डिपार्टमेंट ने बोला है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आईटीसी सही है कि नहीं है क्लियर आपको डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे। सर आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने 10 लाख आईटीसी लिया डिपार्टमेंट बोलता है बताओ प्रूव करो कैसे आपका 10 लाख आईटीसी मिलना चाहिए तो यू कांट से कि आप बताओ कि मेरे को 10 लाख आईटीसी क्यों नहीं मिलना चाहिए अरे बर्डन टू प्रूव इज ऑन दी एसएससी। देन 156 पर्संस डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट। जो भी ऑफिसर है उनको बुलाया कि वो इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे ठीक है सर। 157 प्रोटेक्शन ऑफ द एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट। सर ध्यान रहा ऑफिसर ने एज पर एक्ट अगर कोई एक्ट किया है कोई एक्शन लिया है तो सर कोई भी एसएससी या कोई और पर्सन उस ऑफिसर पे कोई केस फाइट नहीं कर कोई केस दर्ज नहीं कोई केस नहीं कर पाएगा और कोई कोर्ट उसका वो केस एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर ऑफिसर को प्रिवेंट किया है इस सेक्शन ने सर जैसे मानहानि का दावा लगा दिया सर डिफेमेशन का केस लगा दिया उस ऑफिसर पे तुमने हमारे यहाँ रेड मारी कुछ मिला नहीं तुम्हें मैं तुम्हारे पर डिफेमेशन का केस लगाऊंगा नहीं लगा सकता सर ऑफिसर एसएससी कोई इस तरह का केस नहीं लगा पाएगा। देन 158 डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट। सर देना इस एक्ट के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी मीडियम के थ्रू किसी भी तरीके से ऑफिसर को अगर मिली है तो वो उसको सीक्रेट रखेगा किसी और के साथ डिस्क्लोज नहीं करेगा इनफैक्ट डिपार्टमेंट के दूसरे ऑफिसर के साथ भी डिस्क्लोज नहीं करेगा अनलेस इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ क्लियर तो ही वो डिस्क्लोज कर सकता है अदरवाइज डिस्क्लोज नहीं करेगा नहीं तो एसएससी के बिजनेस की बैंड बजेगी साहब। आइए 159 पब्लिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन इन सर्टेन केसेस। बच्चों ध्यान रखना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पावर है कि वो चाहे तो जो आपने ऑफेंस किया अगर वो ऑफेंस प्रूव हो गया तो ऐसे केस में सर वो इसको पब्लिश भी करा सकते हैं इन द न्यूज़पेपर बेटा ध्यान देना बेटा सर। और
देन ना ये पब्लिकेशन जो करेंगे उसमें अगर फर्म इन्वॉल्व थी तो पार्टनर के नाम एओपी था, तो मेंबर्स के नाम एचयूएफ था, तो मेंबर्स के नाम एंड सर कंपनी है तो डायरेक्टर, मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर और मैनेजर के नाम भी पब्लिश हो जाएंगे, क्लियर। पर हाँ, ये पब्लिकेशन का पावर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर ये एक्सरसाइज तभी करेंगे जब एसएससी का राइट टू अपील रिजेक्ट हो गया, या अपील करने का टाइम उसका एक्सपायर हो गया, या अपील में वो हार गया, फाइनली केस डिस्पोज ऑफ हो गया, उसके बाद ही पब्लिकेशन करेंगे बेटा। देन सेक्शन 160 बोलता है असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एटसेट्रा नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। क्या होता है बेटा? सर असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिव्यू, एडजुडिकेशन, रिविजन, अपील, रेक्टिफिकेशन, नोटिस, समन, कोई भी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, उसमें अगर कोई मिस्टेक हो गया, डिफेक्ट हो गया या कोई ओमिशन हो गया, क्लियर, विच वॉज वो अनइंटेंशनल था, ऑफिसर की तरह से मिस्टेक हो गया या डिफेक्ट हो गया या ऑमिशन हो गया, जिसकी वजह से कोई इंटेंट ऑफ द लॉ या पर्पज ऑफ लॉ डिफीट नहीं हुआ बेटा सर, तो ऐसे केस में बोल दिया कि ऐसी प्रोसीडिंग्स उन मिस्टेक या डिफेक्ट वजह से इनवैलिड नहीं रहेगी। और एसएससी को बोल दिया कि जब भी तुमको ये मिस्टेक पता पड़ती है तो इमीडिएटली वो नोटिस इशू होने के बाद जो फर्स्ट आपके पास हियरिंग का मौका होगा उसी टाइम उस मिस्टेक पे आप बात कर लेंगे, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आप उसके बाद उस मिस्टेक को हम इग्नोर करेंगे, उसके बाद वो मिस्टेक अगर हमारे सामने आप लेके आए तो हम ये मानेंगे कि वो मिस्टेक हुई नहीं सर, हम उसको इनवैलिडेट नहीं मानेंगे, प्रोसीडिंग को इनवैलिडेट नहीं करेंगे सर। आइए देन सेक्शन नंबर 162 बोलता है पावर सर बार ऑन ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। कोई भी सिविल कोर्ट इस एक्ट के कोई केस एक्सेप्ट नहीं करेगा एक्सेप्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो सेक्शन 117 और 118 में कवर बेटा, जिसे याद है ट्रिब्यूनल के केस के अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर पास किया GST 18 ने, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट, स्टेट बेंच या एरिया बेंच, क्लियर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, तो वहीं पे उस सेक्शन के अकॉर्डिंग ही अपील जा सकती है, बाकी कोई सिविल कोर्ट इस तरह की अपील वगैरह इस एक्ट की एक्सेप्ट नहीं करेगा बेटा। देन 163 बोलता है पावर ऑफ लेवी सर, लेवी ऑफ फी बेटा, सर अगर आपको किसी ऑर्डर या नोटिस वगैरह की फोटोकॉपी चाहिए तो ऐसे केस में किसी फाइल की कॉपी चाहिए आपको तो ऑफिसर अलाउ करेगा बट ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड फी। देन 164, 165, 167 बोल रखा है गवर्नमेंट के पास पावर है कि रूल्स बनाने का, देन रेगुलेशन बनाने का पावर है, और रूल्स रेगुलेशन या नोटिफिकेशन जो डेलीगेट पावर के थ्रू इन्होंने यूज़ किए। 166 बोलता है पार्लियामेंट का जो सेशन आएगा उसमें हम उसको लेट डाउन करेंगे, क्लियर, और सर वहाँ पार्लियामेंट में किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई ऑब्जेक्शन तो वो रेज कर सकता है बच्चों, क्लियर, कोई खास बात नहीं है। 167 कमिश्नर को पावर दिया कि वो किसी भी ऑफिसर के पावर डेलीगेट कर सकता है, क्लियर। 168 पावर टू इशू इंस्ट्रक्शन और सर्कुलर वगैरह दे रखा है, डायरेक्शन वगैरह का पावर दे रखा है सर यहाँ पे CBIC को सर। आप आइए 169 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन बेटा, क्लियर, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट दो सेक्शन है, उसमें से एक ही सेक्शन 169 सर्विस ऑफ नोटिस या ऑर्डर या समन एटसेट्रा इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस। सर किस तरह से नोटिस वगैरह सर्व किए जाएंगे, कब मानेंगे सर हो गया? देखो नोटिस केवल इशू करना, नोटिस ऑर्डर वगैरह सब कुछ केवल इशू करना इज नॉट सफिशिएंट, सर्व होना चाहिए, रिसीव होना चाहिए जो जिसको भेजा है नोटिस। सुनना इसमें इस सेक्शन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट कवर है, कोई भी डिसीजन हो गया, ऑर्डर हो गया, समन हो गया, नोटिस हो गया या अदर कम्युनिकेशन अंडर दिस एक्ट और रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट सर। देन मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, किस तरह से डिपार्टमेंट आपको नोटिस वगैरह ये ऑर्डर जो भी, अच्छा मैं नोटिस बोलूंगा, आप इसमें ऑर्डर डिसीजन सब आ गया, समन वगैरह किस तरह से भेजेगा? फर्स्ट है फिजिकल डिलीवरी, गिविंग और टेंडरिंग इट डायरेक्टली, या डिलीवरी थ्रू अ मैसेंजर इंक्लूडिंग कुरियर, या द डॉक्यूमेंट कैन बी डिलीवर्ड टू द एड्रेसी, द टैक्स पेयर और टू हिज मैनेजर, द एजेंट ड्यूली ऑथराइज्ड एडवोकेट और टैक्स प्रैक्टिशनर हु होल्ड अथॉरिटी टू अपेयर इन द प्रोसीडिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द एसएससी। मतलब आपके एडवोकेट को या आपके AR को भी दे दिया तो मान लेंगे कि ये डिलीवर हो गया बेटा, डिस्पैच हो गया, आपको सर्व हो गया। ध्यान देना बेटा इन सब पे, मैंने आपको जब लेक्चर पढ़ाया था बताया था इन सब पे जजमेंट आया था सर्विस टैक्स एक्साइज केस में। अब आगे वाले आने वाले GST एक्ट में कभी झगड़े नहीं हुए, इसलिए एक्ट में लिख डाला कि इनको दे दिया तो मान लेंगे सर्व हो गया है। देन एनी पर्सन हु इज रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय हिम इन कनेक्शन विद द बिजनेस, उसको दे दिया मान लेंगे सर्व कर दिया। देन ज्योति इंटरप्राइज केस आया था, याद है बेटा सर्विस टैक्स में, एनी एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिसाइडिंग विद द टैक्स पेयर, उसको सर्व कर दिया मान लेंगे सर्व हो गया। सेकंड मोड क्या है, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और कुरियर विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू, उसके थ्रू भेज सकते हैं बेटा, क्लियर, एट योर नॉन लास्ट नॉन प्लेस ऑफ बिजनेस या रेजिडेंस। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या बेटा, ईमेल कर देंगे या GST पोर्टल पे नोटिफाई कर देंगे मान लेंगे सर हो गया। देन मीडिया, पब्लिकेशन द न्यूज़पेपर इन द लोकेलिटी जहाँ पे आप रहते थे या जहाँ पे आप बिजनेस कंडक्ट करते थे वहाँ पे पब्लिश कर दिया मान लेंगे सर हो गया आपको बेटा। देन अदर मोड क्या है बेटा, अगर ये सारे अबोवमेंट जो थे इनसे डिलीवर नहीं हो पा रहा है तो एट द एंड वो क्या करेंगे, जो आपका प्लेस ऑफ बिजनेस था या आपका प्लेस ऑफ रेजिडेंस था वहाँ पे आके आपके घर के बाहर या बिल्डिंग जो थी आपकी बेटा ऑफिस की उसके बाहर उस नोटिस को पेस्ट कर देंगे, चिपका देंगे और सर ये माना जाएगा आपको सर हो गया। एंड अगर ये सर पेस्ट करना भी पॉसिबल नहीं, जैसे ऑफिसर आया नोटिस लगाने के लिए वापस गया ही नहीं बेटा, मतलब आप समझे गुंडे थे सब सर, तो ऐसे केस में इफ़ अबव मोड इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल तो जो ऑफिसर ने
ये नोटिस या ऑर्डर सर्व किया है वो अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पे सर्व कर देगा, नोटिस बोर्ड पे हैंग कर देगा, मान लेंगे सर हो गया बेटा, ध्यान रखना। मतलब यू कांट यू नो इंडिया के अंदर कई सारे लोगों से कि ऑर्डर सर्व लेते ही नहीं, रिसीव नहीं किया, तो सर ऐसा नहीं, डिपार्टमेंट सर्व नहीं कर सकता, ये अदर मोड दे रखिए उनको। ओके सर, और जिस दिन आपको रिसीव हो गया या उन्होंने हैंग कर दिया नोटिस बोर्ड पे, मान लेंगे सर्व हो गया, स्पीड पोस्ट वगैरह किया, तो जो नॉर्मल टाइम रहता है स्पीड पोस्ट का टाइम, स्पीड पोस्ट में जो नॉर्मल टाइम ऑफ डिलीवरी होता है वो मान लेंगे उस दिन सर्व हो गया होगा आपको बेटा। क्लियर? देन आ रहा है सेक्शन 170, राउंडिंग ऑफ ऑफ द टैक्स एक्सेट्रा, टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी होगा वो राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रुपी में, और हाँ 50 पैसा उसके अबव आ रहा है तो 1 रुपी में जाएगा, नेक्स्ट रुपी में जाएगा, और 50 पैसा से कम अगर है पैसा तो ऐसे केस में जो लास्ट रुपी था उसमें इसको राउंड ऑफ करेंगे। देन 171 एंटी प्रॉफिटिंग मेजर, यस सर यही वो सेकंड सेक्शन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को इस चैप्टर का, एक तो सर्विस ऑफ नोटिस ऑर्डर, एक सेकंड है क्या एंटी प्रॉफिटिंग मेजर जिसके रिगार्डिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने के बड़े चांस होते हैं बेटा। एंटी प्रॉफिटिंग मेजर क्या होता है सर? एंटी प्रॉफिटिंग आपको पता है कि अगर जीएसटी लॉ में अगर किसी गुड्स या सर्विस का रेट ऑफ टैक्स कम किया या किसी पर्टिकुलर परचेज पर इनवर्ट सप्लाई पे अगर आईटीसी अलाउ नहीं था और आईटीसी अगर अलाउ कर दिया लॉ में अमेंडमेंट करके, तो ऐसे केस में जो सप्लायर उसको बेनिफिट मिलेगा बेटा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सिंस दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स, दिस बेनिफिट शुड बी पास ऑन टू द कस्टमर, क्योंकि जब हम टैक्स बढ़ाते हैं आप कस्टमर्स रहते हो तो हमने टैक्स कम किया है तो उसका बेनिफिट भी कस्टमर को पास ऑन होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्या एंटी प्रॉफिटिंग, जो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमने टैक्स की रेट कम करी, जैसे एमआरपी थी 1 लाख इंक्लूसिव टैक्सेस, तब रेट था 28%, अभी रेट हमने कर दिया 18%, तो सर जो कमेंसुरेट प्राइसेस या कॉस्टिंग में कम आना जो बेनिफिट मिला है वो कस्टमर को पास होना चाहिए बेटा। क्लियर? या जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर मशीन का या इनपुट का आईटीसी अलाउ नहीं होता था, अब अलाउ कर दिया तो उसकी वजह से आपका आईटीसी मिलने लग जाएगा, आपकी कॉस्टिंग कम होगी, उतना कमेंसुरेट आपकी प्राइसेस कम होनी चाहिए। क्लियर? अगर उससे होने वाले प्रॉफिट को अगर सप्लायर ने खुद ने रख दिया तो उसको बोलते प्रॉफिटेड अमाउंट। क्या बोलते बेटा उसको? प्रॉफिटेड अमाउंट, दिस शुड बी पास ऑन टू द कस्टमर। क्लियर? नहीं पास ऑन किया तो नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग मेजर, नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी बना रखी है क्लियर टू कंट्रोल ऑल दिस, इसको बोलते हैं एंटी प्रॉफिटिंग मेजर। क्लियर? अब सर एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी को पावर दिया है कि वो एग्जामिन करेगी मैटर्स को, कि वो कि सबसे पहले वो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे अगर कभी लॉ में अमेंडमेंट हुआ रिगार्डिंग रेट ऑफ टैक्स या आईटीसी का अगर किसी इनपुट या कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस का अलाउ किया, तो ऐसे केस में कौन कौन से वो सेक्टर है, कौन कौन से वो बिजनेस है जिनका जिनको ये फायदा मिला है, प्लस उन्होंने कमेंसुरेट जितने कॉस्ट कम हुआ उतना कमेंसुरेट प्राइस कम किया कि नहीं किया। फिर सेकंड वो आइडेंटिफाई करेंगे वो सारे टैक्स पेयर जिन्होंने बेनिफिट कस्टमर को पास ऑन नहीं किया। थर्ड फिर उनमें इंक्वायरी करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनसे कॉस्ट शीट मंगाएंगे बिफोर चेंज एंड आफ्टर चेंज, देखेंगे आपकी कॉस्ट में कितना फर्क है और आपने प्राइस उतनी कम करी कि नहीं करी, अगर नहीं करी तो उनको ऑर्डर इशू करके बोलेंगे, उनको अपॉर्चुनिटी कर देंगे, प्रोसेसर देगा उनका पूरा, और फिर फाइनली डिटरमाइन हो गया कि उन्होंने प्रॉफिटेड अमाउंट आगे पास ऑन नहीं किया तो उनको ऑर्डर पास करके बोलेंगे कि जितना बेनिफिट आपको पास ऑन करना था जो आपने पास ऑन नहीं किया अब पास करो अपने कस्टमर को अलोंग विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम, ध्यान रखना बेटा वो आपको पास ऑन करना पड़ेगा कस्टमर को, और अगर कस्टमर आइडेंटिफाइबल नहीं है तो दिस अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड, ध्यान रखना बेटा ये बात। ओके एंड सर उनके पास पावर है कि वो चाहे तो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं, एंड ध्यान रखना सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दे हैव द पावर टू कैंसल द रजिस्ट्रेशन ऑल्सो अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो बेटा। क्लियर? एंड एवरी मंथ सर एवरी क्वार्टर क्वार्टरली इनको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है जीएसटी काउंसिल को कि हमने ये एक्शन लिए क्वार्टर खत्म होने के बाद 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बेटा। क्लियर? ये ड्यूटीज ऑफ द अथॉरिटी है बेटा। अच्छा ध्यान रखना जिनके भी नवंबर 20 है उसके बाद एग्जाम्स होंगे उसके लिए एक छोटा सा पॉइंट एक एड हुआ है सेक्शन 171 सबसेक्शन 3A, वो बोलता है क्या अगर ये प्रूव हो गया कि एसएससी ने प्रोविडेड अमाउंट आगे पास ऑन नहीं किया कस्टमर को वो फॉल्टी पाया गया तो ऐसे केस में एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी क्या करेगा उसमें पेनल्टी लगाएगा कितना अप टू द अमाउंट ऑफ 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिटेड जो पास ऑन करना था जो उसने पास ऑन नहीं किया बेनिफिट का अमाउंट उसका 10% पेनल्टी चार्ज करेगा उस एसएससी पर अगर उस एसएससी ने अमाउंट प्रॉफिटेड पास ऑन कर दिया कस्टमर को या कंज्यूमर वेलफेयर फंड में ट्रांसफर कर दिया कुल मिला के केस क्लोज कर दिया विदिन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी तो ऐसे केस में पेनल्टी वेव हो जाएगा पेनल्टी चार्ज नहीं करेंगे। ये पॉइंट नवंबर 20 है उसके बाद एग्जाम अगर है तो उसके लिए रिलेवेंट हो गया, जुलाई में ये पॉइंट रिलेवेंट नहीं है। क्लियर? डन। ये एंटी प्रॉफिटिंग का सेक्शन 171 भी खत्म होता है। अब आइए 172 सर बोलता है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी। यहां से पावर आया गवर्नमेंट के पास कि वो चाहे तो अगर एक्ट के इंप्लीमेंटेशन में अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उसको रिमूव कर सकता है बाय इशूइंग एन स्पेशल ऑर्डर, पर ये पावर जो है वो 3 साल तक ही है जिस दिन एक्ट स्टार्ट हुआ, एक्ट 1st July 2017 से एप्लीकेबल हुआ वहाँ से 3 साल तक पर। हाँ फाइनेंस एक्ट 20 ने इसको बढ़ा के 5 साल कर दिया है जो नवंबर 20 के लिए भी रिलेवेंट नहीं, फाइनेंस एक्ट 20 रिलेवेंट नहीं है नवंबर 20 के लिए बेटा। ओके कोई खास सेक्शन नहीं है। देन
173 बोलता है क्या, अरे जिस दिन से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ उस दिन से सर्विस टैक्स एप्लीकेबल नहीं रहेगा 1 जुलाई 17 से। एंड सर 174 रिपील एंड सेविंग बोलता है क्या, एक्साइज वेट जो भी पुराने लो मर्ज हो गए किसके अंदर, जीएसटी के अंदर, तो 1 जुलाई 17 से जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है तब से वो टैक्सेस इसमें मर्ज हो गए और वो एप्लीकेबल नहीं रहेंगे एक्सेप्ट फ्यू गुड्स। याद है बेटा आपको सर, जैसे एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो पेट्रोलियम गुड्स वगैरह बेटा क्लियर, टोबैको बेस्ड गुड्स इन पे अभी भी सर पुराने लॉ एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल रहेंगे बेटा क्लियर। और हाँ बाकी सारे जो गुड्स है उन सब पे जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, तो ये सब गुड्स पे ये वाले पुराने एक्ट एप्लीकेबल नहीं रहेंगे 1 जुलाई 17 से। ये लास्ट सेक्शन था सेक्शन 174 ऑफ द जीएसटी। इसी के साथ भारत माता की जय, सारे चैप्टर जीएसटी के खत्म होते हैं। अब ये एंटायर रिविजन ऑफ एंटायर जीएसटी चैप्टर वाइज खत्म होता है अब। आई होप ये सारा लेक्चर आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स के अंदर, इनको अच्छे से पढ़िए अच्छे से सुनिए। और हाँ बी फोकस्ड बेटा, ध्यान देना बेटा, हर पर्सन का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर पर्सन का पढ़ाने का तरीका अलग होता है क्लियर। और सर ये लेक्चर्स आपको बहुत हेल्प करने वाले एग्जाम्स में, इनको मिनिमम 2 बार पहले सुन लेना क्लियर। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और हाँ आपको कभी भी किसी भी सिचुएशन से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि डर के आगे ही क्या है, जीत क्लियर। और हाँ आपको कभी भी कोई डिफिकल्टी, आपका ये भाई भले छोटा भाई मान लो बड़ा भाई मान लो आपके साथ है हमेशा। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, एंजॉय द लाइफ, थैंक यू सो मच।